व्हाट इज अप लिफ्टर्स, आई होप योर वाइबिंग वेल, डूइंग वेल, महक रहे होगे, चहक रहे होगे, वाइबिंग और डूइंग का मतलब शायद हिंदी में अनुवाद में यही होता है, मैंने गूगल ट्रांसलेट पे से देखा था। तो हाँ, आज अपन बात करने वाले हैं फोर आर्म्स के बारे में। फोर आर्म्स, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ मेल बॉडी इज अ फोर आर्म्स, क्योंकि विजिबल यही होते हैं। और एक फुल स्लीव्स फोर आर्म में फोल्ड करी हुई, हाँ हाँ भाई, क्या लगती है भाई, और अपने ऐसे नहीं फोर आर्म्स, ठीक है। तो आज अपन वही जानेंगे कि ऐसे ग्रो करना है, ठीक है। मेरे तो ग्रो नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें विद इन 30 or 60 days, ठीक है। तो वही, मैं फोर आर्म्स ट्रेन नहीं करता हूँ। अब उसका मेन रीज़न ये है, दो रीज़न है, ठीक है। एक बहुत फतूसा रीज़न है कि मैं स्क्वाट, बेंच और डेड पे करता हूँ, और मैं फिजिक को बाय प्रोडक्ट समझता हूँ स्ट्रेंथ का, ठीक है। मैं जिम जाता हूँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी फिजिक ग्रो हो ही जाएगी, ठीक है। तो मैं इस मकसद से जाता हूँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने से, मेरे को फिजिक से लेना देना नहीं है, तो बिकॉज आई एम पावर लिफ्टर, स्क्वाट, बेंच और डेड मेरा धर्म और ईमान है, ठीक है। तो वही रीज़न तो यही है कि मैं स्क्वाट, बेंच और डेड करके घर पर आ जाता हूँ, मैं अदर एक्सेसरी मूवमेंट करता ही नहीं हूँ। और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मेरे दोनों हाथ की रिस्ट फ्रैक्चर है, एक अराउंड 9 या 8 साल, दोनों या 9-8 साल में ही हुई थी। एक बार मेरी बहन ने खेलते खेलते या मुझे गुस्से से हॉकी स्टिक मार दी थी, और एक बार मैं साइकिल चलाते हुए गिर गया था, मेरे दोनों हाथों की रिस्ट फ्रैक्चर्ड है, ठीक है। तो अब मैं कोई भी रोटेशन मूवमेंट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो मेरा रिस्ट में पेन होता है, पता नहीं क्यों, इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट और समथिंग लाइक एल्स, पर मुझे नहीं पता कि ये क्यों होता है। तो मैंने बहुत ट्राई करा फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करने का, बट ज़्यादातर जिम में जो रहता है वो रोटेशनल कर्ल्स वाली मशीन ही रहती है, तो मुझे कोई अच्छा साधन नहीं मिल रहा था मेरा फोर आर्म्स को ट्रेन करने का। डेडलिफ्ट में हो जाते हैं ग्रिपिंग पकड़ने से, बट वो फिर भी मेरे को एक वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे थे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे थे मुझे। तो फिर मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पर भी जाके देखा, तो यूट्यूब पर भी बस वो रिस्ट कर्ल्स की बस दे रखी है, या रोटेशनल रिस्ट कर्ल्स, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। तो फिर मैंने दोस्त को सजेस्ट करा, वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन अ ग्रिपर, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि ये काम करता है कि नहीं, और अपन लोग जानेंगे विद इन 30 or 60 डे कि ये ग्रिपर काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो वही अपन उसको एक 30 दिन काम में लेंगे, और उसका मैं 30 दिन बाद तुम्हें रिजल्ट बताऊँगा कि ये काम करता है कि नहीं। वैसे ये 40 kg वाला है, इसकी 10 से 40 kg तक की वो है, प्रीलोड एग्जिस्टेबल है। तो मैं इसको अराउंड 40 पे चलाऊंगा, और से एक वन आर्म से मैं 100 करूंगा, दूसरा आर्म से भी रोज डेली 100 करूंगा विदाउट एनी रेस्ट, और देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। और आज से मैं करना चालू करूंगा तो तुम मेरा ऐसा प्री वाला देख सकते हो फेस, कि कैसा दिखते हैं मेरा फोर आर्म्स, दिख रहा है। तो वही, तो चलो यूज़ करके फिर मैं बताऊँगा तुम्हें, तब तक के लिए बाय, पीस है।